Good morning students, beta how are you? I'm your English teacher here, and myself is Shilpa. And today I am going to teach you the further lesson of adverb. As I have <coughs> I had already taught you the adverb yesterday, also that adverb is a word which tells more about a verb. Okay, Beta. And it also tells us that uh, how where and when the actions are happening. Okay, beta

यहाँ पर हेयर मीन्स यहाँ पर सिट्स मीन्स बैठा है सेकेंड द फैन इज़ द बॉयज हेड जो पंखा है वो लड़के के सिर के एबब मीन्स ऊपर है द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन साइड बच्चे अंदर इन साइड मीन्स अंदर बैठे हैं मोनिका स्टैंड देयर मोनिका वहाँ खड़ी है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड बच्चे बाहर आउटसाइड मीन्स बाहर खेल रहे हैं द वेंट अप जो हवाई जहाज़ है वो ऊपर वेंट अप अपनी सुपर चला गया है तो यहाँ पर बेटा वो वेयर वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ मतलब कहाँ पर ये काम हो रहा है तो ये जो परवीन है ये यहाँ बैठा है और फैन कहाँ है एबव है लड़के के सिर के ऊपर और बच्चे कहाँ बैठे हैं इनसाइड बैठे हैं और मोनिका कहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी है और बच्चे कहाँ खेल रहे हैं बाहर खेल रहे हैं और हवाई जहाज कहाँ गया ऊपर गया है ना तो यहाँ पर देखिए बेटा इन द एब द वर्ड्स हेयर एबव इनसाइड देयर आउटसाइड एंड अप शो वेयर द एक्शन इज डन यानी जितने भी लेटर वाले वर्ड्स हैं ये हमको बता रहे हैं कि जो भी एक्शन हुआ इन सेंटेंसेस में वो कहाँ पर हुआ है डिटेल्स मोर अबाउट वर्ब्स ये हमें वर्ब के बारे में भी बताते हैं जैसे सिटिंग क्या यहाँ पर वर्ब है तो वो बैठे तो हैं लेकिन कहाँ बैठे हैं अंदर बैठे हैं ठीक है दे आर ऑल्सो एडवर्ब्स तो इसलिए ये वर्ड्स भी क्या हैं हमारे सारे एडवर्ब हैं जैसे वर्ड डज प्रवीन सॉरी वेयर डज प्रवीन सिट परवीन कहाँ बैठा Here. Where is the fan? Fan कहां है हेयर वेयर इज द फ़ैन फैन कहाँ है एबव ऊपर वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग बच्चे कहाँ बैठे हैं इनसाइड अंदर वेयर डज मोनिका स्टैंड मोनिका कहाँ खड़ी है देर वहाँ पर वेयर आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग बच्चे कहाँ खेल रहे हैं आउटसाइड बाहर वेयर डिड द एरोप्लेन गो हवाई जहाज कहाँ कहाँ जा रहा है अप मीन्स ऊपर <coughs> तो बेटा ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे हमको शो करते हैं कि जो एक्शंस हुई हैं वो वेयर मीन्स कहाँ पर हुई हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखिए फाइंड द एड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड यानी यहाँ पर जो भी जगह दी गई हैं वहाँ पर आपको इनमें से पिक करना है और यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आपको उन वर्ड्स को ढूंढना है जो वेयर का मतलब कहाँ पर जो काम हुआ है उसके बारे में आपको बता रहे हैं जैसे लुक केयरफुली बेटर टू अंडरस्टैंड जैसे देखिए रविंदर इज स्टैंडिंग देयर रविंदर खड़ा है देयर देयर मतलब वहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयर द ट्रेन स्टॉप्स हेयर यहाँ रेलगाड़ी रुकी कहाँ हेयर आई एम गोइंग आउटसाइड टू प्ले मैं कहाँ खेलने जा रहा हूँ आउटसाइड सोनिया रैन इन साइड द रूम सोनिया कहाँ भाग कर गई इन साइड मतलब कमरे के अंदर गई द गर्ल्स आर गोइंग अप स्टेयर्स लड़कियां कहाँ जा रही हैं अपस्टेयर्स ऊपर द किड्स बिहेव वेल well. बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं अच्छा वेल सोनिया लिव्स हेयर विद हर आंट सोनिया अपनी आंट के साथ कहाँ रहती है हेयर यहाँ पर द बैलून्स वेंट अप इन द एयर जो गुब्बारे हैं वो हमा में कहाँ गए अपस ऊपर गए शी वेंट अवे टू मीट हर मदर वो कहाँ गई अपनी माँ से मिलने अवे अवे मतलब दूर गई अप सब पिंदस काई जो सूरज है वो आसमान में कहाँ है अप मीन्स ऊपर है द एलिफेंट स्विंग्स इट्स ट्रंक अप एंड डाउन हाथी जो है वो अपनी जो ट्रंक मतलब जो उसकी सूंड है उसको हिला रहा है कैसे हिला रहा है कहाँ हिला रहा है कभी अप ऊपर तो कभी नीचे डाउन ठीक है नेक्स्ट देखिए आई एम सॉरी वी वेटेड आउटसाइड द एयरपोर्ट हम एयरपोर्ट के कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं आउटसाइड बाहर आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स मैं जा रहा हूँ लेकिन कहाँ जा रहा हूँ डाउन स्टेयर्स मीस नीचे द बेबी क्राइड लाउडली बच्चा रो रहा है लेकिन किस तरह से रो रहा है जोर से द लिटल गर्ड लुकड अप एट मी लड़की ने मेरी तरफ देखा लेकिन कहाँ देखा ऊपर की तरफ द विंड मस्ट हैव ब्लोन इट ओवर यानि जो हवा है वो उड़ बह मतलब कर गई है मतलब उड़ कर गई है कहाँ कर गई है ओवर ओवर मीन्स ऊपर कर वाटर इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर पानी हर जगह पानी नहीं मिलता है कहाँ नहीं मिलता है एवरीवेयर मीन्स हर जगह द हॉस्पिटल इज़ नियर बाय हॉस्पिटल है कहाँ है नियर बाय मतलब पास में है दे वर टॉकिंग इन साइड द रूम वो बातें कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो रूम में बातें कर रहे हैं लेकिन रूम में कहाँ कर रहे हैं इन साइड मीन्स अंदर बातें कर रहे हैं आई लॉस्ट माई बैग समवेयर मैंने अपना बैग खो दिया लेकिन कहाँ खो दिया समवेयर मतलब कहीं पर द बर्ड्स चिप अर्ली इन द मॉर्निंग चिड़िया चह चाहती हैं सुबह लेकिन कब चह चाहती हैं अर्ली मतलब बहुत जल्दी जब मतलब सुबह सुबह होती है जब ही से चिड़िया चह शुरू कर देती हैं द कंप्यूटर लैब इज़ अपेयर्स कंप्यूटर की जो लैब है वो कहाँ है अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर है वाई डिट सोहन गो देयर सोहन गया लेकिन कहाँ गया है देर वो वहाँ पर क्यों गया है देर वेयर मीन्स कहाँ देर द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज जो चिड़िया हैं वो केज केज मीन्स पिंजरे से उड़क कहाँ गई है आउट मतलब बाहर वी विल गो टू दार्क टमोरो हम कल कहाँ जाएंगे हम पार्क कब जाएँगे वेर मतलब कब जाएंगे कहाँ जाएँगे हम हुँ? तो हम टुमरो जाएंगे यानी हम पार्क में कब जाएंगे टमोरो जाएँगे ठीक है बेटा तो ये सारे जो सेंटेंसेस थे इनमें से जो एडवर्ब था वो हमने फाइंड आउट किया और यहाँ पर ब्लैंक में लिख दिया है। अब बेटा नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट पेज आपका है वर्ड टेल्स अबाउट व्हेन। यहाँ पर तो बताया था वेयर मतलब कहाँ और वेन मीन्स क्या होता है कब यानी वो वर्ड्स एडवर्ब में जो हमें बताते हैं कि जो घटना हुई है वो जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो इन पिक्चर्स को देखिए और इनके नीचे जो सेंटेंसेज हैं उनको रीड करिए आई विल कम होम होम सून मैं घर कब आऊँगा जल्दी आऊँगा द चिल्ड्रन रीज स्कूल अर्ली बच्चे स्कूल पहुँचे लेकिन कब पहुँचे जल्दी वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो हम कब क्रिकेट खेलेंगे कल टमोरो नाओ गो बैक एंड वर्क नाव गो एंड वर्क प्लीज अब जाओ और काम करो कृपया करके मिस शाह रीच द स्टेशन लेट मिस शाह जो हैं वो स्टेशन पहुँची लेकिन कब पहुँची लेट पहुँची देर से सनी एंड हीज फ्रेंड्स प्लेट फुटबॉल येस्टरडे सनी और उसके दोस्तों ने फुटबॉल खेली लेकिन कब खेली कल खेली थी तो वैन का मतलब क्या होता है कब इन द सेंटेंसेस एब यानी ऊपर के दिए हुए ये जो वाक्य होते हैं इनमें जो ये वर्ड्स हैं जैसे सून अर्ली टमोरो नाउ लेट एंड येस्टरडे ये सारे रेड रेड वर्ड्स जो हैं ठीक है बेटा शो व्हेन द एक्शन इज डन ये सब बताते हैं कि ये काम कब हुआ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स और इनको भी हम क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं अब आप देखिए कैसे अब मैं आपको समझाती हूँ देखिए वैन बिल द मैन कम आदमी कब आएगा सून वैन डिट द चिल्ड्रन स्कूल अली बैन बिल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट टमोरो वैन शुड द मैन गो टू वर्क आदमी को कब काम पर जाना चाहिए नाव मतलब अब वैन बिड मिस शाह री सेशन मिस शाह कब स्टेशन पर पहुंची लेट पहुँची बैन बिड सनी एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल सनी और उसके दोस्तों ने कब फुटबॉल खेली कल खेली थी तो ये जो वर्ड्स हैं बेटा ये भी हमें एडवर्ब के बारे में बताते हैं अगेन इसमें वही है जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया भी पहले इसमें भी आपको यही करना है इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इसमें से एडवर्ब को छांटकर कर आपको यहाँ स्पेस में लिखना है जैसे ग्रैंडफादर गोज टू द टेम्पल डेली यानी जो दादाजी हैं वो टेम्पल कब जाते हैं डेली डेली मीन्स रोज जाते हैं मदर बिल कुक फूड नाव मम्मी खाना कब बनाएंगी नाव अब बनाएंगी तो so नाव हमारा क्या हो गया एडवर्ब आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर मैंने ये कहानी बिफोर मतलब पहले भी सुनी है टुडे शी वो कब लेट आज वो उठी है लेकिन कब उठी है लेट उठी है आई वॉश द डिशेज डेली मैं इन बर्तनों को डेली मतलब रोज़ धोती हूँ मिस्टर गुप्ता विल रिटर्न सून मिस्टर गुप्ता जल्दी सून मतलब कब लौटेंगे सून मतलब जल्दी लौटेंगे आई विल गो देर टुडे मैं वहाँ कब जाऊँगी टूडे मतलब आज जाऊँगी ही वेंट टू बेंगलुरू यस्टरडे वो बेंगलुरू कब गया था यस्टरडे गया था द ट्रेन अराइव लेट ट्रेन पहुँची लेकिन कैसे पहुँची लेट पहुँची यस्टरडे सविता बॉस प्लेइंग गिटार सविता कब गिटार बजा रही थी यस्टरडे मतलब कल बजा रही थी मिस्टर शर्मा लेफ्ट फॉर इस ऑफिस अर्ली मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस के लिए कब निकले जल्दी निकले अर्ली मिस्टर बजाज विल कम बैक सून। मिस्टर बजाज कब आएंगे सून मतलब जल्दी आएंगे जल्दी वापस आएंगे वी आर गोइंग टू देहरादून शॉर्टली हम देहरादून कब जाएंगे बहुत थोड़े समय में ही पहुंच जाएंगे प्लीज़ कम सून किस तरह आओ सून मीन्स जल्दी आओ दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज द स्टूडेंट वंस ये वो स्कूल है जहाँ पर मैं स्टूडेंट था वंस मतलब कभी कब स्टूडेंट था कभी स्टूडेंट था मतलब बहुत पहले शी हार्डली सिंग्स नाउ वो बहुत मुश्किल से गा पा रही है लेकिन कब गा पा रही है अब नाउ आई वेक अप अर्ली एवरी डे मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ मैं रोज़ उठता हूँ सॉरी मैं जल्दी उठता हूँ लेकिन कब उठता हूँ रोज़ एवरी डे आई एम कमिंग शॉर्टली मैं आ रहा हूँ लेकिन किस तरह से आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ शॉर्टली थोड़े से समय में वट डू यू डू आफ्टर स्कूल आवर्स आप स्कूल यानी स्कूल में जो स्कूल के जो घंटे होते हैं उसके बाद आप क्या करते हो तो आफ्टर मतलब क्या करते हो इन घंटों के बाद शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे वो बिल्कुल ठीक नहीं है कब नहीं है आज ठीक नहीं है टुडे द मैजिक शो विल बिगेन नाव जो मैजिक शो है जो जादू का जो शो है वो शुरू होने, होने, मतलब होने वाला है लेकिन कब शुरू होने वाला है नाव मतलब अब शुरू होने वाला है यू मस्ट कम अर्ली टो तुम्हें जल्दी आना है लेकिन कब आना है कल आना है आई बॉट एन न्यू ड्रेस रिसेंटली मतलब मैं नई ड्रेस लाई हूँ लेकिन कब लाई रिसेंटली मतलब अभी अभी लाई हूँ कुछ समय पहले ही मैरी केम आउट ऑफ द क्लासरूम आफ्टर द स्कूल बेल रैंक मैरी जो है वो क्लास रूम से बाहर आई लेकिन कब आई जब स्कूल की घंटी बज गई उसके आफ्टर मतलब बाद में आई वी आर गोइंग फॉर डिनर टू नाइट हम रात का खाना खाने बाहर जाएंगे लेकिन कब जाएंगे टू नाइट मतलब आज जाएंगे तो कहने का मतलब है आज रात को जाएंगे कहने का मतलब है कि जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो हमें बेटा वर्ब के बारे में तो बताते ही हैं लेकिन इनमें थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स का यूज़ होता है हाउ मतलब कैसे वैन मतलब वेयर मीन्स कहाँ और वैन मीन्स कब ठीक है बेटा तो ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको डिक्टेट किए हैं और ये अलग अलग तरह से हमें वर्ब के बारे में बताते हैं So, beta, I hope so. You understand all the types of the adverbs and the uses of how, when, and where. Thank you, beta.